हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज, तो सबसे पहला फैक्टर आता है पर्पस ऑफ स्टडी। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं, क्योंकि इसी की मदद से हम सैंपल साइज अपना चुनते हैं। और एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में जो है छोटे सैंपल साइज की जरूरत होती है कंपेयर्ड के कंफर्मेटरी स्टडीज में। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन साइज। तो अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो ये लार्ज सैंपल को हमें लेना चाहिए ताकि हमारा जो लेवल ऑफ प्रिसीजन है वो हाई रह सके। नेक्स्ट आता है डिजायर्ड प्रिसीजन। तो स्मॉलर मार्जिन ऑफ एरर के लिए हमें लार्जर सैंपल साइज लेना पड़ता है, और जो प्रिसीजन होती है ये एक्सप्रेस करी जाती है टर्म ऑफ कॉन्फिडेंस की, या कॉन्फिडेंस की मदद से, या फिर इंटरवल और मार्जिन ऑफ एरर की मदद से। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे को अपने सैंपल के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, और ये हमारा सैंपल जो है कितना एक्यूरेटली हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो हमारा मतलब 95% जो है हमारे सैंपल जो है हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जितना ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस लेवल रहता है उतना ही बड़ा हमें सैंपल का साइज रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। तो जितनी ज़्यादा वेरिएबल होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा अलग अलग होगी पॉपुलेशन, उतना ही ज़्यादा हमें बड़ा सैंपल साइज लेना पड़ेगा ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट ला पाए। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है तो हमें लार्ज सैंपल लेना पड़ेगा ताकि हम सारी की सारी डाइवर्सिटी को कैप्चर आसानी से कर पाए। नेक्स्ट है अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जैसे कि बजट हो गया, टाइम हो गया, लॉजिस्टिक कंसिडरेशन हो गया, ये भी सैंपल साइज के ऊपर एक इफेक्ट डालते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन जैसे कि बजट एंड रिसोर्स। तो बजट जो होता है, जैसे कि लार्ज सैंपल के लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे कि तो हमें बैलेंस करना होता है प्रोसीजन को और अवेलेबल रिसोर्सेज को। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन कंस्ट्रेंट। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा सैंपल साइज है वो मैनेजेबल है हमारे जो डेटा का कलेक्शन किया है उसके अनुसार। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल पावर। तो हमें जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती हैं हमें उसमें स्टैटिस्टिकल पावर को कंसीडर करना चाहिए सिग्निफिकेंस, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि उसका सिग्निफिकेंस इफेक्ट क्या है। और इसमें हमें ज़्यादा हाइयर पावर की रिक्वायरमेंट होती है जब बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। नेक्स्ट है पायलट स्टडी। तो हमें पायलट स्टडी कंडक्ट करानी चाहिए जिससे कि हम एस्टिमेट कर सकें कि कितनी वेरिएबिलिटी है पॉपुलेशन के अंदर, और हम अपने सैंपल साइज को रिफाइन कर सकें ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी आ पाए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।